Hello students, in the last video we were discussing chemical formula, but unfortunately it was closed, so once again we will start how to write chemical formula. Now when we have to write chemical formula of any compound, so first of all we should know the composition of that formula. Composition ka matlab hota hai ki us formula mein kaun kaun si, us compound mein kaun kaun si element hai aur kis element ke kitne atoms hain. The number of atoms hame janna hoga tabhi hum uske formula ko likh sakte. Jaise hum log likhte hain या लिखना है हमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वाटर, तो हमें पता है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से बनी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल तो लिखना ही होगा. उसके साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को बनाने में. तो वी नो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम मिलकर वाटर की एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है. तो हमारी फार्मूला इसलिए हम लिखते हैं एच, हाइड्रोजन की सिंबल. फिर उसके बाद हम उसके राइट साइड नीचे में लिखते हैं टू. टू मीन्स इट रिप्रेजेंट्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. एंड देन वी राइट ओ, ओ फॉर ऑक्सीजन. तो इस तरह से फार्मूला वाटर की बनती है एच टू ओ. ओके, अब हम लोग इससे एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, थोड़ी सी बड़ी फार्मूला अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे फार्मूला को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, उसको आज हम सीखेंगे. हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, पेज नंबर 33 निकाल के तुम रखो और जैसे जैसे मैं बताऊंगा यू शुड गो थ्रू द बुक किस तरह से उसको बताई गई है. देखो कह रहा है कि टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस द केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन. उस फार्मूला में जो अगर किसी कंपाउंड की फार्मूला है तो उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं सबकी सिंबल्स हमें लिखना होगा और नंबर ऑफ एटम्स उस डिफरेंट एलिमेंट के कितने एटम्स हैं वो भी हमें लिखना होगा. अब जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की अगर हमें फार्मूला लिखनी है तो इसमें तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे. हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N और ऑक्सीजन का O. फिर हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन, किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं. तो हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के एक सॉरी, नाइट्रोजन के भी एक और ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं. तो इसकी फार्मूला H1N1O3, लेकिन वन को हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए हम लिखेंगे HNO3. इस तरह से नाइट्रिक एसिड की फार्मूला बन गई HNO3. अब देखो तुम्हारी पेज 34 में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम आयन्स कहते हैं. आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसको कैटायन कहते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होती है उस पर, नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं. तो बहुत सारे फार्मूला हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह के कंपाउंड की फार्मूला अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए तुम्हारी बुक की पेज नंबर 34 और 35 इसमें दो टेबल दी गई है जिसमें एक तरफ नाम आयन्स का लिखी हुई है और राइट साइड में उसके सिंबल्स लिखे गए हैं. जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल है मतलब उसके आयन की सिंबल है Na+, मैग्नीशियम Mg2+. ये 2+ और सिंगल प्लस इसका मतलब है कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है. सिमिलरली थर्ड में एल्युमिनियम के ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लिखेंगे Al3+. ये तो सब हो गई पॉजिटिवली चार्ज आयन के बारे में.
अब हम लोग आते हैं इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस यानी एनायंस। इसके लिए पेज 35 में हम देखेंगे क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और सभी की राइट साइड में फॉर्मूला सिंबल दी गई है। क्लोराइड का Cl-1, ऑक्साइड का Cl2 माइनस, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, लाइक दैट। अब हमें सपोज एक फार्मूला लिखनी है। सपोज हम सबसे एक कॉमन फार्मूला लेते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी फार्मूला हमें लिखनी हो तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, सोडियम एंड क्लोरीन। तो सबसे पहले हम सोडियम और क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे। तो सोडियम, अच्छा दूसरी बात कि सोडियम क्लोराइड में दो तरह के आयन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स यानी सोडियम के आयन्स और नेगेटिवली चार्ज आयन्स यानी क्लोरीन के आयन्स। तो क्लोराइड आयन्स, इसकी फार्मूला हम लोग बुक में देख रहे हैं, यह है Cl- यानी -1, और सोडियम आयन की फार्मूला है Na+ यानी Na+1। तो सबसे पहले तरीका है कि हम लोग दोनों के आयन्स को साइड बाय साइड लिखेंगे। Na+ यू कम टू पेज नंबर 36। देखो सोडियम को हम लिखे हैं Na, उसके ऊपर लिखे हैं +1 यानी उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा ये तो सोडियम ऑक्साइड को बताई गई है। अगर हम क्लोराइड को लिखना है तो सोडियम Na+1, बगल में हम लिखेंगे क्लोराइड का आयंस यानी Cl-1। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम पर जो चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज, उसको क्रिस क्रॉस कहा जाता है। इसको बुक में देखो एक क्रॉस साइन दी गई है ब्लू कलर से। क्रिस क्रॉस का मतलब है कि सोडियम पर जो चार्ज है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन के चार्ज अभी राइट साइड ऊपर में लिखी हुई है। अब इस सोडियम पर जितनी चार्ज है वो ऑक्सीजन के राइट साइड नीचे में लिखना है, और ऑक्सीजन पर जितनी चार्ज है, सॉरी जैसे सोडियम क्लोराइड मुझे लिखना है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर जितनी चार्ज है यानी +1, वो क्लोरीन के राइट साइड में नीचे की ओर लिखनी है, और क्लोरीन पर जितनी चार्ज है यानी -1, वो सोडियम के राइट साइड में लिखना है नीचे। दोनों अब नीचे लिखना है, तो क्लोरीन वाली चार्ज सोडियम पे आ जाएगी और सोडियम वाली चार्ज क्लोरीन पर आ जाएगी। क्योंकि दोनों की 1 थी तो ये फिर क्या होगा, Na1Cl1, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज खाली लिखना है, तो प्लस माइनस नहीं लिखना। तो Na1Cl1, तो 1 चूंकि हम लोग ले ही लिखते हैं तो वो फार्मूला 1 को हटा देने से बन जाती है NaCl। तो NaCl हो गई सोडियम क्लोराइड की फार्मूला। फिर तुम्हारी बुक में जो दी गई है सोडियम ऑक्साइड की फार्मूला लिखना हमें, तो सबसे पहले हम लोग सोडियम का फिर से आयन का फार्मूला लिखेंगे सिंबल। तो सोडियम का है Na+ और ऑक्सीजन इसकी है O-2। फिर हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे यानी सोडियम पर एक चार्ज है तो वो ऑक्सीजन के राइट साइड में नीचे की ओर लिखेंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो वो 2 हम लोग सोडियम के राइट साइड नीचे में लिखेंगे। तब ये क्या बन जाती है, Na2O1। तो फिर से हम 1 को हटा देंगे तो फार्मूला क्या बन जाती है, Na2O। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फिर हम एक एग्जांपल बुक में दी गई है एल्युमिनियम सल्फेट, इट इज अनदर कंपाउंड। तो एल्युमिनियम सल्फेट के फार्मूला लिखने के लिए हमें फिर से देखना होगा कि एल्युमिनियम की जो आयन्स हैं उसकी सिंबल क्या है, तो वो है Al3+, और सल्फेट SO4 को सल्फेट आयन कहा जाता है। सल्फेट आयन के ऊपर कितनी चार्ज है, तो इसके ऊपर 2- चार्ज है। तो सबसे पहले हम लिखें Al3+3 और SO4
एक ब्रैकेट डाल देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ एस और ओ दो है, तो एसओ फोर ब्रैकेट डालकर ऊपर माइनस टू या टू माइनस लिखेंगे, फिर क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी एल्युमिनियम पर जो जितनी चार्ज यानी थ्री था वो थ्री आ जाएगा एसओ फोर के राइट साइड में, ब्रैकेट रहेगा यहाँ रिमेंबर, क्योंकि जब इस तरह की फॉर्मूला सिंबल हो जिसमें दो लेटर्स बनी हुई है तो उसमें ये ब्रैकेट ज़रूर डालना है, तो एसओ फोर पर ब्रैकेट हमेशा रहेगा। एल थ्री का जो थ्री चार्जेज हैं वो एसओ फोर के राइट साइड में नीचे की ओर आ जाएगी, और एसओ फोर में जो माइनस टू चार्ज था वो टू एल पर आ जाएगी, तो फार्मूला क्या बन जाती है, एल टू, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एल सिंगल एलिमेंट है, एल टू और एसओ फोर थ्री, एसओ फोर होल थ्री इसको पढ़ेंगे, ब्रैकेट जो दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या हो गई, एल टू विद इन ब्रैकेट एसओ फोर एंड देन थ्री, और इसको पढ़ेंगे कैसे, एल टू एसओ फोर होल थ्री, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस तरह से हम और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें किसी भी कंपाउंड का फार्मूला हम आसानी से लिख सकते। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उस पर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस एंड केमिकल इक्वेशन। सो टुडे विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस लेसन। नाउ बी सेफ एट योर होम एंड बी हैप्पी। बाय।